की जगत में बहुत लंबा समय हो गया, बहुत बच्चे घर में तड़फ रहे हैं, बहुत माँ बाप ये चाह रहे हैं कि घर में जब बच्चा कैद हो जाता है तो वो कई जगह ऐसा हो जाता है कि बच्चे जो जवान होते हैं वो माता पिता की बात को नहीं सुनते हैं या नहीं मानते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी है नहीं, क्योंकि यदि पढ़ाई करनी है तो पुस्तकों में पढ़ना है, और पुस्तकों में कब पढ़ना है, जब गुरुजी उसमें होमवर्क दे देंगे तभी हम उसको डर की वजह से पढ़ेंगे कि हमारी परीक्षा होनी है। यदि हमारा डर नहीं है तो हम पुस्तकों को भी नहीं पढ़ते। दूसरा है कि विद्यार्थियों को जो दिनचर्या की बात है, जो अच्छे विद्यार्थी हैं, मैं अच्छे विद्यार्थी की बात कर रहा हूँ, जो अच्छे विद्यार्थी हैं उन्हें कोरोना से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है मनुष्य जीवन सिर्फ एक बार मिलता है और इस मनुष्य जीवन में हमें बहुत सुंदर आँखें देखने को दी हैं, कान सुनने के लिए दिए हैं, और मुँह मीठा मीठा बोलने के लिए दिया है, और ये हाथ किसी की सेवा के लिए दिए हैं। वो इस चीज़ को समझते हैं कि मैंने क्या बोलना है, मैंने माँ से क्या बोलना है, मैंने पिता से क्या बोलना है, मैंने बहन के साथ कैसा व्यवहार रखना है, मैंने इन हाथों को किसी को मारने के लिए नहीं उठाना, इन हाथों से कुछ सेवा का काम करना है, पुनीत काम करना है। तो जब हम इस प्रकार की सोच रखते हैं तो हमारी दिनचर्या उसी तरीके से होती है कि हमने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान आदि शौच आदि करना है, उस प्रभु परमात्मा जिसने हमको जन्म दिया है उसको अपने ध्यान में लाना है, उसका धन्यवाद करना है, और जो हमारे परिवार में हमारे घर में जैसा रूखा सूखा है उसी को हमने अर्पण करना है प्रसाद समझ के कि हे प्रभु परमात्मा जो तुम दे रहे हो हमारे लिए वही आशीर्वाद है। बच्चों को जिद नहीं करनी चाहिए, आज मैं दाल नहीं खा रहा, आज तो मैं शाही पनीर खाऊंगा, मैं मटर पनीर खाऊंगा, आज मैं ये नहीं पहन रहा, मुझे तो ये पहनना है, आज मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। जो बच्चे अपनी इच्छाओं के आधार पर माँ बाप को डराते हैं, धमकाते हैं, उनका कभी भी भविष्य अच्छा नहीं होता है, उनका कभी ग्राफ ऊपर नहीं जाता है, ग्राफ उन्हीं का जाता है ऊपर जो उस प्रतियोगिता को प्रतियोगिता के तरीके से लेते हैं और गलत तरीकों को नहीं अपनाते हैं। गलत तरीके मतलब कि मैंने उसको नीचा दिखाना है, मैंने उसमें टांग मारनी है, मैंने उसको गलत खिलाना है, मैंने उसको गलत सलाह देनी है, मैंने उसको गलत रास्ता दिखाना है। जो विद्यार्थी ऐसा करते हैं उनको कर्मों का फल उन्हें भुगतना ही पड़ता है। तो गलत तरीके से किसी सफलता को प्राप्त नहीं करना चाहिए। ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मेहनत करो, सभी को बराबर अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति करने का अधिकार है, खेलने का अधिकार है, बात करने का अधिकार है, लेकिन सबको प्यार से मित्रता से आओ, तुम सभी मेरे परिवार के साथी हो, मेरे मित्र हो, मेरे साथी हो, हमें आपस में क्यों लड़ाई झगड़ा करना है, कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है, क्या हमारा बट रहा है, हमारा सब एक परिवार है, हमारे कुटुंब है, वसुधैव कुटुंबकम, उस पर चलना है हमने कि हम सब एक परिवार के साथी हैं और हमने प्यार बनाना है, और प्यार से जब ये मजबूत देश मजबूत जब ही बनेगा, जब युवा हमारा मजबूत होगा, और यदि युवा भटक गया तो हमारा देश क्या होगा, जिस देश की कल्पना कर रहे हैं हम वो देश बिखर जाएगा, बट जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान रखो, अनुशासन को सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीव, देख पराई चुपड़ी मत ललचावे, कम खाना गम खाना, बहन बेटियों की इज्जत करना, माता पिता गुरु का सम्मान करना, अनुशासन में रहना, मर्यादा में रहना, मर्यादा को कभी नहीं तोड़ना, क्योंकि ये हाथ हैं दिखाने के लिए नहीं है, घूरने के लिए नहीं है, ये हाथ हैं तलवार चलाने के लिए, बंदूक चलाने के लिए नहीं बने तुम्हारे, तुम खिलाड़ी हो, तुम ओज और तेज के प्रताप हो, तुम वीर हो, बहादुर हो, तुम माँ बाप का नाम ऐसा काम कीजिए जिससे कि माता पिता गर्व से सम्मान से
उस रास्ते से गुजर सके, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से माता पिता की गर्दन नीचे झुक जाए, तुम्हारी वजह से माँ बाप कहीं जेल खाने पहुँच जाएं, तुम्हारे कर्मों की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर पर आक्रमण हो जाए, तुम्हारा घर ही टूट जाए, तुम्हारे घर को ही आग लगा दी जाए। तो ऐसा कोई भी कर्म हमें नहीं करना चाहिए, राइट? क्या करें क्या ना करें, किसको करने से क्या फल मिलता है, हमें कौन सा कर्म करना चाहिए, ठीक है? समझ में आ रही मेरी बात? मैं फिर आपसे प्रश्न भी करूँगा।